और दिल्ली के NCR के प्रत्येक घरों तक पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि हमारा देश सत्य सनातन और उसके संदेश को, जिसमें वसुधैव कुटुंबकम का भाव छुपा है, जिसमें सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का भाव छुपा है, जिसके तहत हम सब लोगों में मानवता का वास हो, मर्यादा का भाव हो, इसके लिए समय समय पर कई ऐसे त्यौहार होते हैं जिसको हम बहुत धूमधाम से मनाते हैं। ऐसा ही एक त्यौहार आ रहा है, गणपति महोत्सव, जहां जिसकी शुरुआत 7 सितंबर से होगी और 10 दिन तक पूरे देश और दुनिया में भी गणपति बप्पा आते हैं। कोई डेढ़ दिन के लिए लाते हैं, कोई 3 दिन के लिए, कोई 5 दिन के लिए, कोई 10 दिन के लिए। देश में लालबाग के राजा की आजकल बहुत धूम है। देश के कोने कोने से लोग मुंबई जाते हैं और कई बार तो हम लोगों को सांसद के रूप में चिट्ठियां लिखनी पड़ती हैं, जबकि सांसद के चिट्ठी से दर्शन हो जाए ऐसा निश्चित भी नहीं है। अगर वहां के लोगों से, ट्रस्टी लोगों से थोड़ी दोस्ती है तो सांसद का पत्र थोड़ा प्रभावी हो जाता है, लेकिन बड़े बड़े सोर्स पैर भी लगते हैं। लेकिन जो सही में गणपति बप्पा के फॉलोअर हैं, वो तो भीड़ में खड़े होकर के भी दर्शन करते हैं और उसी में अपना भाग्य समझते हैं। तो उसी लाल बाग के राजा को दिल्ली में लाने का जो श्रेय गया है, वो हमारे राकेश बिंदल जी को गया, जो दिल्ली की एक धरोहर है और उसी से संबंधित 8वां गणपति महोत्सव। भैया अभी आप बैठ जाओ, बीच में मत घूमो, वहीं बैठ जाओ, खुले से भी रुक जाओ भाई, मत करो। तो 8वां गणपति महोत्सव इस बार 7 सितंबर से 16 सितंबर तक दिल्ली में किया जाएगा और लाल बाग के राजा ही यहां प्रतिष्ठापित होंगे। जो मुंबई में लाल बाग के राजा की मूर्ति बनाते हैं शिल्पकार, उन्हीं की बनाई हुई मूर्ति दिल्ली में 2015 से प्रतिष्ठापित हो रही है और इस बार उसका एक विस्तारित भव्य कार्यक्रम 7 सितंबर से 16 सितंबर तक दिल्ली के बुराड़ी क्षेत्र में, जो DDA का बड़ा ग्राउंड है, जिसको पुराने निरंकारी संत समागम के लिए भी उसका प्रयोग होता है तो इस नाम से भी वो जाना जाता है, वहां पे ये आयोजित होगा। और मुझे ये सूचना देने के लिए हमारे जो बड़े भाई लोग हैं बाएं दाहिने, सत्यभूषण जैन जी, राकेश बिंदल जी और पूरी समिति आपके सामने बैठी है, इसका परिचय हम अभी कराएंगे आपसे। 2024 की गणपति महोत्सव को, जो 8वां है दिल्ली के लिए, इसको और भी भव्य बनाने के लिए श्री बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पूज्य धीरेन्द्र शास्त्री जी का आगमन हो रहा है। और उनका आगमन 7 सितंबर से 5 दिन तक रहेगा, 5 दिन तक उनके श्रीमुख से कथा भी होगी, सत्य सनातन की अच्छी बातें भी प्रवाहित होंगी और जो इस 8वें गणपति महोत्सव का अंतिम 5 दिन होगा,
उसमें हमारे भारत के वृंदावन के एक बहुत ही अद्भुत संत श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जी का आगमन होगा, उनकी कथा होगी। श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जी को भी अब पूरा देश दुनिया जान रही है, बड़ी स्पष्टवादिता रहती है। और श्री बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पर तो जैसे हनुमान जी की साक्षात कृपा बनी हुई है, तो मैं ये सूचना देते हुए अपने को इसलिए भी सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मैं भी बागेश्वर धाम से जुड़ा हुआ हूँ। और श्री लाल बाग राजा ट्रस्ट जो है, इनसे इतना जुड़ा हूँ कि हम कोई कार्यक्रम करते हैं तो हमारे साथ राकेश बिंदल जी रहते हैं। अब देखिए, आयोजक तो ये लोग हैं, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं कर रहा हूँ, मैं उसका संरक्षक हूँ। मैं इस परिवार का एक सदस्य हूँ, लालबाग राजा ट्रस्ट का, और इसलिए इस आयोजन को सफल से सफल बनाने में हम लोग सारी शक्ति लगाएंगे। मीडिया के थ्रू हमारी प्रार्थना होगी। भैया को बिठाइए, इधर आ जाओ तुम। हमारी थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, हम सब दिल्ली के सभी लोगों को जो इस गणपति महोत्सव में भाग लेना चाहते हैं, उनको सादर आमंत्रित करते हैं कि आप आइए। हम लोग लगभग 5 लाख लोगों के बैठने की व्यवस्था कर रहे हैं, पंडाल बनाने का और वाटरप्रूफ पंडाल, सारी व्यवस्थाएं, वहां आने वाले को कोई असुविधा ना हो, इसकी हम कोशिश करेंगे। जब तक इंद्र महाराज का कोई अलग से रूप न देखने को मिले, क्योंकि हम तो जितने जगह की व्यवस्था करते हैं, पीछे भी हमने जब एक कार्यक्रम किया था तो सारी व्यवस्था करने के बाद भी बाहर इतना बारिश हो गया कि आचार्य गण को स्टेज पे लाने के लिए उनकी गाड़ियों को हमें ट्रैक्टर से खींचना पड़ा, तो वो तो एक अलग प्राकृतिक स्वरूप है। तो ये जानकारी देते हुए मैं अब निवेदन करूंगा कि हमारे जो लाल बाग राजा, हाँ, इसमें कई कलाकार भी आएंगे जो समय समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे, इसकी जानकारी हमारे आदरणीय अभी राकेश बिंदल जी, सत्यभूषण जैन जी आपको देंगे। हमारी तरफ से इस पूरे व्यवस्था को देखने के लिए, चूंकि मैं भी इसका एक सदस्य हूँ, तो हम लोग पूरे दिल्ली को और NCR को निमंत्रित करेंगे ताकि इस गणपति महोत्सव का सभी को फायदा